हे एवरीवन, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपने प्रोबेबली मेरे को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की होगी थ्रू इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और थ्रू कॉल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ डायरेक्ट कॉल ना कीजिए, बिकॉज आई माइट बी समवेयर। मैं क्लास में हो सकता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता हूँ, मैं खाना खा रहा हो सकता हूँ, मैं बाहर मार्केट में हो सकता हूँ। सो सम ऑफ यू पीपल कॉन्स्टेंटली कॉलिंग मी, डेट्स नॉट अ गुड थिंग। यू शुड ट्राई टू आस्क क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप, बिकॉज मैंने वहाँ पे स्पेसिफिकली कहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देर आर फ्यू थिंग्स मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर गिविंग यू एनी कंसल्टेशन, सो डैट इट विल बी ईजी फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। इफ यू आर फाइन रिगार्डिंग द पेमेंट एंड यू डोंट वॉन्ट वॉच दिस वीडियो, देर इज अ लिंक इन एवरी वीडियो डिस्क्रिप्शन। एंड इफ आई एम गिविंग एडवाइस ऑन व्हाट्सएप, तो सम पीपल आर यू नो आस्किंग क्वेश्चन एंड दे आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर हेल्प। इवन आई डिड टेल देम बट दे हैड कंडीशन, पीपल फोर्सिंग मी टू आंसर सच क्वेश्चंस, है ना। इट्स नॉट अ बैड थिंग, आई नो आप अपने पेट को बहुत प्यार करते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप क्वेश्चन पूछिए एंड आई ट्राई टू आंसर, बट द थिंग इज जब ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ मैनेज कर पाना मुश्किल है मेरे लिए भी, एज वेल एज मैं उतनी क्वालिटी केयर किसी ओनर को अगर नहीं दे पाऊँगा उनसे पेट रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, तो वो भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। सो देर आर टू मेन प्रॉब्लम्स, कि कहीं भी कोई भी कॉन्टैक्ट कर रहा है, कभी भी कर रहा है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो मुझे देनी चाहिए एज अ वेटनरी एजेंट, वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग ये सोचकर मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू चार्ज अ लिटिल अमाउंट, सो लिटिल कि इससे ना मैं अमीर होने वाला हूँ, ना आप बहुत गरीब होने वाले हैं, बट ये चार्ज इतना है कि इससे पता चलता है कि आप अपने पेट की हेल्थ को लेकर सीरियस है, और ना कि कोई जस्ट किसी से भी कुछ भी पूछ लिया, किसी ने कुछ भी बता दिया। एंड देर आर फ्यू थिंग्स मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ बिफोर गिविंग यू एनी कंसल्टेशन, सो डैट इट विल बी ईजी फॉर यू एज वेल एज फॉर मी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंसल्टेशन की, कि क्या आपको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो इसका आंसर है येस, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज सम ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरिया जहाँ पर कि वेट सर्विस अवेलेबल नहीं है। वैसे ही इंडिया में 40,000 वेट्स की कमी है, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा जो कि वीडियो कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, ऑडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कंसल्टेशन कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर नीड्स। सेकेंड थिंग इज डैट कि जो बहुत सारे जो फील्ड में वर्कर्स हैं जो कि वेटनेरियन नहीं है, वो आपके डॉग्स का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको पैसों से मतलब होता है, उनको कोई मतलब नहीं कि आपके एनिमल की हेल्थ ठीक हो रही है, उसकी जो डोज वो दे रहे हैं आपके डॉग को वो कितनी दे रहे हैं, ऑपरेशन कर देते हैं बिना किसी प्रायर नॉलेज के, तो वो भी एक चीज़ गलत है। और अगर आप इस तरह का कुछ कर रहे हैं, उस केस में भी जरूरी हो जाता है कि आप किसी प्रोफेशनल से पूछिए ऑपरेशन के बाद क्या देना है, ऑपरेशन से पहले क्या देना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके अलावा इफ़ योर डॉग इज़ हैविंग सम जनरल प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल लाइक हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, डाइटिंग प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है, तो वो कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। बट हाँ, इमरजेंसी जो कंसल्टेशन है, तो उस चीज़ का कंसल्टेशन यहाँ पर नहीं हो। इसके अलावा जनरल पेट केयर हो सकती है, ब्रीडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देर इज़ अ लिंक इन एवरी वीडियो डिस्क्रिप्शन, जिस पर आप क्लिक करेंगे एक इंस्टाग्राम पेज का लिंक आ जाएगा और एक व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा। अगर आप वहाँ पे मैसेज भेजेंगे तो एक ग्रीटिंग मैसेज व्हाट्सएप आपको ऑटोमेटिकली भेजेगा। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद आपको एक सेकंड मैसेज मिलेगा जिसमें बताया होगा कि किस तरह से आपको पहले पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिएगा मेरे को, और उसके बाद जब आप मुझे भेज देंगे फीस, मैं या मेरी टीम में से कोई मेंबर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, एंड देन आप अपने क्वेश्चंस को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में बताएंगे कि हमारे डॉग की एज इतनी है। नहीं तो लोग ना क्वेश्चन पूछते हैं तो ये नहीं बताते उनका डॉग मेल फीमेल है, ये नहीं बताते कि एज क्या है, कुछ क्या है, बस सीधा मेरे डॉग को ये बीमारी है, ठीक कर दीजिए। इस तरह से काम नहीं होता है। एज अ वेटनेरियन वी नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक प्रायर हिस्ट्री एंड क्या उसे बीमारी पहले हो चुकी है, पहले क्या खाया था या क्या किया था, तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो सिस्टमेटिक मैनर में चाहिए होती है। तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस हम आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। अब जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, उसके बाद हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। छोटी मोटी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं, बट हाँ, हो सकता है कि आपको किसी वेटनेरियन के पास जाना हो। ये नहीं कि आपने 20 रुपये दिए, 40 रुपये दिए, 50 रुपये दिए, 100 रुपये दिए और आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन आपका डॉग ठीक हो जाएगा। वो आपका डॉग है, अगर आप उसे पाल रहे हैं तो प्लीज़ उसकी केयर एक डॉग की तरह करें, एक लिविंग बींग की तरह करें। देर आर मैनी थिंग्स आई एम प्लानिंग फॉर दिस चैनल एंड इफ यू डू सब्सक्राइब इट विल हेल्प मी एज वेल एज यू टू बिकम अ बेटर पेट पेरेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।